नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। अचानक से जीजा जी को याद आ गई है तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद जीजा जी के लिए मैदान में मोर्चा संभालने उतरने वाले हैं। खूब दहाड़ेंगे तेजस्वी यादव ताकि जीजा जी को डिप्टी सीएम बनवाया जा सके। दो राज्यों में जो है फिलहाल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर है और दूसरा राज्य है हरियाणा, दिल्ली के बिल्कुल बगल का। कहते हैं कि दिल्ली ही है हरियाणा, तो हरियाणा में चुनाव है और वहाँ पर तेजस्वी यादव के जीजा जी जो हैं वहाँ पर चुनावी मैदान में होंगे। पिछली बार बहुत कम के अंतर से चुनाव जीत करके आए थे और इस बार तेजस्वी यादव फिर से उनकी आवाज़ बनकर वहाँ पर दहाड़ेंगे, उनका साथ देंगे अखिलेश यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तेजस्वी यादव के रिश्तेदार हैं, उनके जीजा जी हैं, अखिलेश यादव भी उनके परिवार से आते हैं, तो हरियाणा में भी उनका परिवार जो है वहाँ पर है और उनकी एक बहन की शादी हो रखी है। पिछली बार वो विधायक बने थे उसी सीट से जिस सीट पर उनके पिता लगातार जीतते रहे हैं। 14 का चुनाव उनके पिताजी वहाँ पर हार गए थे, जब पहली बार वहाँ पर केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद राज्य में भी जो है बीजेपी की सरकार बनी थी। ऐसे में तेजस्वी यादव जब लौटेंगे तो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। पिछले बार जब साल 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त तेजस्वी यादव नॉमिनेशन में पहुंचे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और माहौल बनाया था। दरअसल देखिए, जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव के जीजा जी, वो सीट की खासियत ये है कि वो यादव बहुल्य है। उत्तर प्रदेश में भी यादवों की बड़ी संख्या है और बिहार में भी सबसे बड़ी जाति के तौर पर यादव ही है। लिहाजा सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर दो तीन नामों को अगर आप उंगलियों पर गिने तो उसमें से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है। लालू यादव बहुत सक्रिय नहीं है राजनीति में, फिलहाल उनका ऑपरेशन हुआ है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव उनकी कमी को पूरा करेंगे। देवांशु, जीजा जी को जरूरत पड़ गई है अपने साले साहब की और वो प्रचार के लिए वहाँ पर जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे? तेजस्वी यादव क्या बिहार वाली बात हरियाणा में करेंगे, क्योंकि बीजेपी पर के खिलाफ तो वो बोलते ही रहते हैं, तो क्या बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिखेगा? हाँ, और क्या हरियाणा वाली बात हरियाणा में करेंगे तो फिर लौटकर बिहार में आएंगे तो फिर उस मुद्दे का क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को है वो चुनावी नतीजे आएंगे और एक ही दिन जो है वो पूरा चुनाव हो रहा है। 90 सीट है हरियाणा विधानसभा में और 46 सीट जो है वो चाहिए अगर किसी को सरकार बनानी हो। तेजस्वी यादव के जीजा जी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं रेवाड़ी सीट से। रेवाड़ी सीट जो है इनके परिवार की पारंपरिक सीट है। इनके पिता जो हैं वो 1996 से लगातार 2014 तक इस सीट से विधायक रहे, 2014 में हार जाते हैं, उसके बाद 2019 में जो है वो चिरंजीवी राव जो कि इनके जीजा जी हैं तेजस्वी के, वो लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन पिछली जफा जीत तो जाते हैं रोहित, लेकिन महज 1317 वोट से जीतते हैं, ठीक है। इस बार ये जो खबर जो आई है कि जीजा जी के लिए प्रचार करेंगे तेजस्वी, ये खबर जो है वो चिरंजीव राव की तरफ से आई, यानी कि जीजा जी ने खुद कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो आएंगे, हालांकि डेट उन्होंने नहीं बताया। जो अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से जो लग रहा है, उनकी यात्रा जो है वो बिहार में पहले चरण की वो खत्म हो गई है, पटना पहुंच चुके हैं वो, अब सदस्यता अभियान की जो है वो शुरुआत होगी, उसके बाद उन्हें दुबई जाना है प्रस्तावित है। जब दुबई से लौटेंगे तेजस्वी यादव तब उसके बाद जो है हरियाणा जाएंगे, और तेजस्वी यादव अकेले हरियाणा नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव यूपी वाले अखिलेश यादव को लेकर साथ जा रहे हैं, और तीनों जो हैं वो चिरंजीवी राव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तीनों जो हैं वो परिवार के ही लोग हैं, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस अगर तेजस्वी यादव का रेवाड़ी सीट पर है तो कुछ इन्फ्लुएंस जो है अखिलेश यादव का भी रहेगा, क्योंकि दो युवा नेता, दो युवा यादव चेहरे जो हैं वो चिरंजीव राव के लिए जो है वो प्रचार करने के लिए जाएंगे। रेवाड़ी सीट पर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सीट जो है इन्हीं के परिवार से ही है। चिरंजीवी राव के पिता कैप्टन अजय सिंह यादव जो हैं इस सीट से 1996 से लगातार 2014 तक जो हैं वो विधायक जो हैं वो रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट रोहित मुझे ये लग रहा है कि मुख्य मुद्दा जो है वो जीजा जी की तरफ से इस बार जो उठाया जा रहा है, इस बार क्या वो हरियाणा का ही मुद्दा है, हरियाणा के अहीरों का ही मुद्दा है, हरियाणा के यादवों का ये मुद्दा है कि अहीर रेजिमेंट बने।
सेना के अंदर। हाँ, इसको लेकर दो साल पहले यानी कि साल 2022 में भी बड़ा आंदोलन जो है हरियाणा में देखने को मिला था। और ये मुद्दा जो है अभी चुनावी कैंपेन में जहाँ जहाँ जिया जी जा रहे हैं तेजस्वी यादव के, वो इस मुद्दे को जो है वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आती है यानी कि कांग्रेस की सरकार जो है वो हरियाणा में सत्ता में आती है तो विधानसभा से पास करवा देंगे, उसके बाद तुरंत जो है वो केंद्र को भेज दिया जाएगा। अही रेजिमेंट बने ना बने इसका जो है वो काम जो है तरीका जो है वो केंद्र से होके आना है। तो वो जो है उनकी सरकार पहला काम ये करेगी कि हरियाणा विधानसभा से इस चीज़ को पास कर देगी, ठीक है। और तेजस्वी यादव क्यों जा रहे हैं? तेजस्वी यादव इसलिए भी जा रहे हैं कि कहा कि रेवाड़ी में जो जातीय समीकरण है करीब 100,000 वोट जो है वो अही समाज से आते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अहीर समाज से आते हैं। और इसके अलावा जो पूरे हरियाणा में ही देख लीजिए, बिहारी प्रवासी बिहारियों की भी वोटर्स के रूप में आबादी जो है वो काफ़ी है, और खासकर रेवाड़ी जैसे इलाकों में काफ़ी संख्या में वोटर्स के रूप में मौजूदगी जो है वो बिहारियों को भी है। तो वो बिहारियों के वोट बैंक को रेवाड़ी में अपने जीजा तेजस्वी यादव जा रहे हैं, अपने जीजा चिरंजीवी राव के लिए पक्ष में करने के लिए जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहें, इससे पहले 2014 में राबड़ी देवी भी गई थी प्रचार करने के लिए, जब जो है इस सीट से चिरंजीव राव के पिता कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। तो परिवार के ही लोग हैं तो जब चुनाव लड़ते हैं तो जाते हैं। तो फिर अब कोई ये पूछ दे कि तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो क्यों नहीं आते हरियाणा से कोई लोग, जरूरत नहीं पड़ती है। अब राघोपुर में अगर क्यों बुलाएंगे इनको चिरंजीवी राव को प्रचार करने के लिए, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चिरंजीव राव को तेजस्वी की जरूरत है रेवाड़ी में, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जो सिनेरियो एक दो दिन में देखने को मिला, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, नया सीएम के नाम का ऐलान होता है तो अरविंद सीएम बने, हाँ तो उनकी पार्टी की भी भूमिका रही है मत चुनाव में, ठीक है। और कहा जा रहा है पिछली बार अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार जो है वो भले ही कुछ कमाल नहीं कर पाई थी हरियाणा में आप, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनावी रन में उतरने जा रही है। तो जब ये चुनावी रन में उतरेगी ना रोहित, तो कहीं ना कहीं कई सीटों पर वोट कटेगा तो कांग्रेस का भी कट सकता है। तो कोई भी जो है लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव के जीजाजी चिरंजीवी राव और तेजस्वी यादव जाएंगे, ये अभी तक का अपडेट है। और बहरहाल ये तक सुगबुगाहट है कि देखिए माहौल जो है जिस तरीके से हरियाणा में बन रहा है रोहित, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो सर्वे के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे आते हैं, कई तरह के एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आते हैं कि आखिर चुनाव में होना क्या है। तो देखिए मतदाता जो करेंगे वो 5 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन उससे पहले कई एक्सपर्ट्स का जो आकलन है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ठीक है, ये हरियाणा में ये माहौल है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि चिरंजीवी राव जो है वो डिप्टी सीएम बने, क्योंकि ये एक तो यूथ हैं और इनके परिवार का कद कहीं बहुत लंबे आ रहे, हाँ लंबा राजनीतिक कद है हरियाणा में और राहुल गांधी के भी करीबी हैं ये। तो कहा जा रहा है कि ये जीतेंगे चुनाव, कांग्रेस सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम ये बनेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि तेजस्वी यादव अपने जीजा चिरंजीवी राय को डिप्टी सीएम बनाने के लिए जो है वो प्रचार करने के लिए जो है जा रहे हैं, ये अभी तक का अपडेट है। और इसके बाद लगे हाथ जो है वो अब चुनाव जम्मू कश्मीर में भी होना है, उसके बाद एक तरह से कहें कि चुनाव की सीरीज आने वाली, उसके बाद झारखंड में भी चुनाव होंगे, उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव होंगे, तो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे। तो और ये कोशिश होगी कांग्रेस के पार्टी की तरफ से कि कम से कम हरियाणा में बीजेपी को बीट किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जैसा 2024 में हुआ और जो नतीजे आए उसके बाद से राहुल गांधी का एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, तो वो चाहेंगे कि ये कॉन्फिडेंट जो है वो विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहे, और ये कॉन्फिडेंट तभी बरकरार रह सकता है जब कम से कम हरियाणा में सत्ता में रिटर्न हो कांग्रेस, ये है, ये अभी तक का अपडेट है रोहित। तो देखिए ये पूरी अपडेट है, लेकिन बताते हैं थोड़ा सा हरियाणा को लेकर चुनावों का थोड़ा ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि चुनाव कब कब हैं और वहाँ पे कब कब क्या क्या हुआ है वहाँ पे। तो हरियाणा विधानसभा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो है वहाँ पर नयाब सैनी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल हैं, बीजेपी ने वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला इस फिराक में कि वहाँ पर इसका फ़ायदा पार्टी को मिल पाए, लेकिन फिलहाल की जो सर्वे है उसमें बीजेपी को नुकसान होता हुआ नज़र आता है।
5 अक्टूबर को वहां पे जो है वो वोटिंग डाली वोट होने वाले हैं और 8 अक्टूबर को जो है चुनावी नतीजे वहां के सामने आएंगे। कुल 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर में, दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है और बड़ी बात यह है कि हरियाणा का ही गुरुग्राम जो है NCR का हिस्सा भी है और कहते हैं कि दिल्ली और हरियाणा के बड़े हिस्से में कोई बहुत अंतर नहीं है। वहाँ पर सरकार बनाने के लिए कुल 40 सीटें चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि 2019 में हरियाणा में हुआ क्या था। तो BJP को वहाँ पर 90 में से कुल 40 सीटें आई थी जो कि वहाँ के कुल 37% वोट शेयर था उनको मिला। कांग्रेस को वहाँ पर 31 सीटें आई थी और BJP से वो 9 सीटें कम थी और उसको कुल वोट शेयर 28% आया था। वहाँ पर JJP जो कि 10 सीटों के साथ थी जिसको 15% वोट शेयर आया था और वहाँ पर जो है एक NL जो डी है उसको 1 सीट आई थी और उनको 2% जो वोट शेयर वो आया था और JJP के साथ मिलकर के BJP ने वहाँ पर सरकार बनाई। बाद में वहाँ के जो JJP है उसका हुआ ये कि उसके कई विधायक टूट गए, BJP के साथ आ गए और सरकार वहाँ पर बनी रही और वहाँ पर जो नायब सैनी हैं वो वहाँ पे बन गए मुख्यमंत्री और BJP ने इसी स्ट्रेटजी के तहत उनको बदला क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री से जो गठबंधन के जो विधायक थे वो खुश नहीं थे, लिहाजा मुख्यमंत्री को ही वहाँ पर रिप्लेस कर दिया। वहाँ पर खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनको चेंज करके वहाँ पर एक तरीके से कहें कि बदलाव या फिर चेहरा बदल करके BJP ने खुद के को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कितना बच पाया वो तो चुनावी नतीजे जब 8 अक्टूबर को आएंगे तब सामने होगा। अरविंद केजरीवाल की बात इसलिए वहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। वहां पर अरविंद केजरीवाल करीब 77 दिनों की जेल यात्रा के बाद बिहार जो है बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो कुछ शर्तें रखी, लिहाजा उन शर्तों के हिसाब से मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह के भी बहुत कुछ वो नहीं कर पाते, लिहाजा उन्होंने वो कुर्सी अपने ही सहयोगी कैबिनेट में मंत्री रही अतिशी को जो है वो उन्होंने मंत्री पद सौंप दिया है, मुख्यमंत्री का पद सौंपा है आज और अब जो है वो एक तरीके से कहें कि फ्री हैंड हो गए हैं। और देखिए अगर आप डेमोग्राफी को देखें समझें वहाँ पे तो दिल्ली हरियाणा और उसके ऊपर पंजाब, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में वहाँ पे सरकार है और बीच का एक हिस्सा है जो कि कहें कि हरियाणा का है और वहाँ पर अगर सरकार बनाने वाले किंग मेकर की भूमिका में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आती है तो उसका बड़ा फायदा वो लेने की कोशिश कर सकते हैं जो कि उनकी पार्टी की तैयारी भी है। उनकी पार्टी की तैयारी वहाँ पर सरकार बनाने की भले ही ना है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने दिनों से जेल में थे उसके बाद उनके इस अभियान को एक तरीके से ब्रेक लगा, लेकिन पार्टी कोशिश में ये है कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल कम से कम किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं कि अगर कांग्रेस को विधायकों की जरूरत पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल के पास वो 4, 5 या 10 विधायक हों जिसके सहारे वो सरकार में शामिल हो सके। देखिए पिछली बार के में 2019 में क्या हुआ था, आपको एक भी सीट नहीं आती, सीट नहीं आती वो छोड़िए मतलब कि नोटा से भी कम वोट आते, लेकिन 3 ऐसे सीट है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सिरसा में सीट पे क्या हुआ था 2019 जब चुनाव हुए थे हरियाणा में तो गोपाल कांडा को 600 वोटों से वो जीते थे और आपको वोट आया था 868 वोट, यानी कि अगर आप ना होती तो ये गोपाल कांडा ना जीतते। 3 सीटों पर खेल बिगाड़ दिया था पिछली बार भी, तो इस बार तो कितनी सीटों पर कल बिगाड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिर बकदखल सीट पर देखिए क्या हुआ था, जीत का अंतर 2545 वोट था और आपके उम्मीदवार को वोट आया था 9441 वोट, यानी कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी जो है वो खेल खराब किया था। और तीसरी सीट है फरीदाबाद NIT सीट जहां पर जीतने वाले उम्मीदवार जीते थे 3242 वोट से और आपके उम्मीदवार को आया था 3240 वोट, तो यानी कि साल 2019 में 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खेल जो है वो बिगाड़ा था। और इस बार किसका खेल बिगाड़ेंगे, BJP का खेल बिगाड़ेंगे, कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। किसके वोट बैंक में सेंधमारी कर पाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो पाते हैं ये अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ खेल तो बिगाड़ेंगे और पिछली बार अगर 3 बिगाड़ा है तो इस बार 5 तो कम से कम बिगाड़ेंगे। और देखिए ना वो मैं 2019 में आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है दिवांशु वो 46 सीटों पे चुनाव लड़ती है, यानी सरकार जितने में बन जाए उतने सीटों पे चुनाव लड़ती है और उसको एक भी सीट नहीं आती है। हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी को वहाँ पे करीब करीब 4% वोट शेयर उनको आया जो कि पिछले बार बिल्कुल लगभग 0 के आसपास था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी वहाँ पे प्रचार करती नजर आई, वहाँ पे अपनी पहचान का जिक्र करती नजर आई। बड़ी बात यह है कि अगर हरियाणा को समझें तो वहाँ पर क्या है कि इस बार जो जो महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने जा रहे हैं
वो अरविंद केजरीवाल इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी कि NLO और आम आदमी पार्टी यानी कि आप जो है वहाँ और निर्दलीय जो भी जीत करके आते हैं इन लोगों पर सब सबकी नज़रें होंगी क्योंकि देखिए क्योंकि BJP से के बिल्कुल विरोधी खेमे के तमाम लोग अब हो गए हैं वहाँ पर। BJP अगर अपने 90 यानी कि 45 सीटें नहीं ला पाते सरकार नहीं बना पाएगी, कांग्रेस भी अगर नहीं ला पाती तो नहीं बना पाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए एज ये होगा कि क्योंकि वो अलायंस पार्टनर रह चुके हैं लोकसभा चुनाव के अंदर में कई राज्यों में, भले ही दिल्ली जैसे दिल्ली में पंजाब में उनकी सहमति ना बनी हो लेकिन बाकी जगहों पर उन्होंने एक तरीके से कहें कि एक दूसरे का समर्थन किया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। तो अरविंद केजरीवाल अगर वहाँ पे कुछ भी सीट निकालने में कामयाब होते हैं तो वो एक तरीके से कहेंगे कि वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किंग मेकर की भूमिका में होंगे और उसी सहारे जो है वो वहाँ की सरकार में भी एक तरीके से उस राज्य के अंदर में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं, भी बन जाए बिल्कुल कांग्रेस सपोर्ट रहा तो। कहीं ना कहीं देखिए कहा जा रहा है कि दुबई यात्रा के बाद जो है वो तेजस्वी यादव रेवाड़ी पहुँचेंगे, प्रचार करेंगे और रेवाड़ी में उनके जीजा चिरंजीव राव का अहम मुद्दा है कि अही रेजिमेंट बने। वैसे तो RJD का शुरू से ही स्टैंड रहा है, मुझे याद है रोहित 2 साल पहले जब पूरे हरियाणा में आंदोलन हो रहा था तो RJD का ये स्टैंड था कि अही रेजिमेंट बनना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा कोई बिहार का मुद्दा नहीं है, बिहार में कभी भी RJD ने इस मुद्दों को लेकर कोई मांग की हो या कोई प्रोटेस्ट किया हो या कोई बात रखी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ RJD का ये स्टैंड रहा है कि अहीर रेजिमेंट को वो बनाने को लेकर वो सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी यादव वहाँ जाएंगे, सवाल यह है कि वो बिहारियों की बात तो वो तो करेंगे ही करेंगे, प्रवासी बिहारियों की बात करेंगे और क्या अहीर रेजिमेंट पे भी वहाँ पर कुछ बोलते हैं क्योंकि उनके मुखारबिंद से इस मुद्दे पर जो है अभी तक कुछ बोला नहीं गया, तो क्या हरियाणा में पूरा एकदम माहौल को टर्नअप करने के लिए इस मुद्दे को भी वहाँ पर उठा देते हैं? अगर वो इस मुद्दे को वहाँ उठा देते हैं तो बिहार लौटेंगे तो इस मुद्दे की हवा जो है वो हरियाणा से बिहार भी पहुँचेगी। बहरहाल हो जो भी, हरियाणा में जो चुनावी तैयारियाँ जो हैं वो पूरे सबाब पर हैं, हर प्रत्याशी जो है खूब पसीने बहा रहा है और तेजस्वी यादव भी जल्द हरियाणा पहुँचेंगे और अपने जीजाजी के लिए पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।